रामगढ़ताल मत्स्य आखेड़ के सदस्यों ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के रोक के बाद भी कराई जा रही अवैध शिकार माही में से हम सभी सदस्यों को भुखमरी के कागार पर आ गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राजू निषाद ने कहा। राजू निषाद, रामगढ़ताल में हो रही अवैध शिकार माही के विरोध में हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मौजूदा जो ताल के ठेकेदार थे जिनकी समिति ख़त्म हो गई है 7 दिसंबर को ही, और उसके बावजूद भी जीडीए के मिली भगत से, कई कर्मचारियों के मिली भगत से रामगढ़ ताल में शिकार माही हो रही है। हम लोग बार बार पुलिस थाने में अप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी शिकार माही पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। जबकि जीडीए के नीलामी शर्त में यह स्पष्ट वर्डी था कि अगर किसी का ताल ठेका निरस्त होता है तो ऐसे समय दूसरी नीलामी दाता को शेष पैसा जमा करवा करके मत्स्य पालन एवं आखेट के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, वो भी नहीं हम लोगों को मिल पा रहा है। जबकि अभी ताल का ठेका अभी 4 महीना करीब बचा हुआ है। हमारी मांगे हैं कि जो ताल में, रामगढ़ ताल में जो अवैध शिकारमाई हो रही है, उसको प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द तुरंत उसको शिकारमाई बंद कराई जाए, और जो ताल का पट्टा है अभी जो बचा हुआ है शेष समय के लिए मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड रामगढ़ ताल उप मरवा की बारी कूड़ागढ़ गोरखपुर को शेष समय के लिए अवशेष पैसा जमा करवा करके मत्स्य पालन एवं आखेट के लिए अनुमति प्रदान किया जाए।